हेलो डियर स्टूडेंट, निर्भय 11 यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज बात करने वाले हैं बीसीसीएलई मैथमेटिक्स। ठीक है, बीसीसीएलई मैथमेटिक्स में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, जिसे कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे तो उसमें डिस्कस किए थे हम लोग प्रीवियस वीडियो में क्या क्या डिस्कस कर लिए थे, थ्योरी पढ़ लिए थे और कुछ नंबरिकल कर लिए थे। उसके बाद आपको बताए थे इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना। आज बात करेंगे क्या चीज, थोड़ा सा नया चीज है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो अभी तक जो भी बच्चे नहीं जुटे हैं तो निर्भय 11 यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और बीसीसीएलई को व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं तो वहां पेज भी जाके जुड़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। आप देखिए यहाँ पे, देखिए आप लोग जो सर्च करते हैं तो निर्भय 11 सर्च कीजिए और स्पेस बीच में मत दीजिए। ठीक है, तो निर्भय 11 सर्च करना है और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से सीरियल वाइज से वीडियो मिल जाएगा, सब वीडियो देख सकते हैं आराम से। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब दो लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है तो आपके एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आता है और डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है कि दो लाइन दिया हुआ है उसके बीच को आपको पूछ देगा शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो उससे पहले जो है कुछ बेसिक समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना पड़ेगा, एसक्यू लाइन्स। ठीक है, एसक्यू लाइन्स क्या होता है, देखिए एसक्यू लाइन्स दी लाइन्स आर नॉर पैरेलल और नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। मतलब दोनों लाइन जो रहेगा कुछ एंगल से इंक्लाइनेशन रहेगा। ठीक है, यानी मतलब कुछ रहेगा, मतलब वो ऐसा लाइन होता है जो कि ना ही पैरेलल होता है और ना ही इंटरसेक्ट करता है ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। ये L1 लाइन का इक्वेशन है, कितना है, x माइनस एक्स वन बटे L1 और बराबर y माइनस y1 बटे M1 बराबर z माइनस z1 बटे N1। आप देखिए L2 का दिया हुआ है, कितना, x माइनस x2 बटे L2 बराबर y माइनस y2 बटे M2 बराबर z माइनस z2 बटे N2। अब देखिए यहाँ पे दो लाइन के इक्वेशन दे दिया है। अब ये यहाँ पे देखिए ये जो है क्या है, दो लाइन है। ठीक है, इसके बीच के हमको क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए बोलिएगा सर फॉर्मूला बहुत भयंकर लग रहा है तो कैसे याद रखेंगे। देखिए आपको याद करने का भी तरीका बताते हैं। ठीक है, याद करने का तरीका बताएंगे ऐसा कि एकदम जिंदगी भर याद रहेगा। आप देखिए कुछ नहीं करना है, बस x1 y1 z1 हो गया, x2 y2 z2। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट टैली में आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए इसको हल्के में मत लीजिएगा। आप देखिए क्या करेंगे, x2 इसका x2 और माइनस x1 करेंगे, y2 माइनस y1 करेंगे। तो देखिए x2 माइनस x1 यहाँ पे लिख देंगे, y2 माइनस y1 यहाँ पे लिख देंगे, z2 माइनस z1 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबका L और MN दिया हुआ है। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म थी, डायरेक्शन क्वेश्चन के फॉर्म में है तो डायरेक्शन रेशियो समझ लीजिए। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो कितना है, L1 M1 N1। यहाँ पे देखिए L1 M1 N1 लिख देंगे, फिर इसी तरह से L2 M2 N2 यहाँ पे इसका। ठीक है, लाइन वन का डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे पहले और लाइन टू का डायरेक्शन रेशियो लिख देंगे, डिटरमिनेंट इसी तरह से कर देंगे। बट यहाँ से देखिए डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते थे इस तरह से, तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए कुछ करने वाले हैं, यहाँ पे इसको ढकेंगे। ठीक है, और इधर से ढकेंगे। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये चारों दिखेगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए M1 × N2 माइनस क्या हो जाएगा M2 × N1। ठीक है, इसको इंटू करके स्क्वायर कर देना है प्लस। आप देखिए यहाँ पे इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे तो कितना हो जाएगा, L1 × N2 माइनस कितना हो जाएगा L2 × N1 ये होल स्क्वायर प्लस कितना होगा, इसको ढकिए। ठीक है, इसको ढकिए और इसको ढक दीजिए तो आपको क्या दिख रहा है बताइए, यहाँ पे ये दोनों चारों दिखेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L1 × M2 माइनस कितना हो जाएगा L2 × M1 ये होल स्क्वायर। तो समझ रहे हैं, यहाँ तक आपको जो है याद करने के लिए तरीका भी बता दिए कि कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। बस देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपको देखने में सिर्फ हार्ड लग रहा होगा कि बहुत एकदम हार्ड फॉर्मूला है, जल्दी याद नहीं होगा, बट याद कर सकते हैं आप आराम से। कुछ नहीं, खाली डिटरमिनेंट लिखना है, पहले x2 − x1 करना है, y2 − 1 z2 − z1 यहाँ पे लिख देंगे। अब L1 लाइन का डायरेक्शन रेशियो सबका लिख देंगे, L1 M1 जो नीचे में रहेगा नीचे का लिख दिए, जो इस इक्वेशन का दिया हुआ है नीचे का लिख दिए। ठीक है, आप डिटरमिनेंट इस तरह का सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, कैसे करते हैं, इस तरह से ढकेंगे दोनों, ढक ले जाएंगे, उसके बाद लिख देंगे दोनों के सब के स्क्वायर कर देंगे, देख रहे हैं। तो फॉर्मूला बहुत ईजी है। ठीक है, आप अब यहाँ पे देखिए नोट का कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट देन शॉर्टेज डिस्टेंस
SD मतलब क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन विल बी जीरो होगा। मतलब आप सही समझिए कि यहाँ पे जैसे एक लाइन है और एक दो लाइन, दोनों अगर कट करता है तो इसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ये होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो यहीं पे यही बोल रहा है कि व्हेन टू लाइन जब इंटरसेक्ट देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन विल बी क्या होगा, जीरो होगा। आप देखिए क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का और प्रयास करता हूँ, तो देखिए कैसे समझेंगे। तो हो गया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू एस्क्यू लाइन्स, ठीक है, दो एस्क्यू लाइन्स दिया हुआ है। एस्क्यू लाइन्स मतलब वैसा लाइन, एस्क्यू लाइन्स मतलब वैसा लाइन जो कि ना ही पैरेलल होगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा, तो उसको क्या कहते हैं, एस्क्यू लाइन्स कहते हैं, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, एस्क्यू लाइन कहेंगे। तो आप देखिए दो एस्क्यू लाइन्स दिया हुआ है, समझिए कि डायरेक्ट क्या है, लाइन के लोकेशन दिया रहेगा दो को लाइन और उसके बीच का आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा। मान लीजिए इसके एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस तरह से लाइन, तो ठीक है, इसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछेगा कि ये दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ होगा बताइए आप, यहाँ होगा कि यहाँ होगा कि यहाँ होगा। तो आपको देखने से लग रहा होगा कि यहाँ पे देख, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप कम हो रहा होते जा रहा है, तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो यही ये बताता है, ठीक है, ये फॉर्मूला यही निकालेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, आप लोग समझ गए यहाँ तक। आप देखिए यहाँ पे बस वही फॉर्मूला में रख देना है और कुछ करना ही नहीं है, एकदम फॉर्मूला में रख देना है। आप क्या बताए थे, x2 माइनस x1 कर दीजिए, 4 2 माइनस 4 1 4 2 4 में से कितना हो जाएगा, 2 चल जाएगा, 5 में से 3 गया, z माइनस 2 1 गया। तो पहले आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 जैसे देखेंगे, इक्वेशन 1 से x1 y1 z1 निकाल लेना है, x2 y2 z2 निकाल लेना है। आप फिर उसका फर्स्ट इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो रख देंगे, सेकंड इक्वेशन का डायरेक्शन रेशियो रख देंगे, उसके बाद फिर कुछ नहीं करना है, फिर डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना है, इस तरह से ढकेंगे, ठीक है, इस तरह से ढकिए कितना होगा, सॉरी यहाँ पे देखिए ढकिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 1 माइनस 2 × कितना 2, तो कितना हो जाएगा 1 − 4, तो देखिए यहाँ पर 1 − 4 के होल स्क्वायर करना है, प्लस देखिए फिर इसको ढकेगा, फिर इसको ढकेगा इस तरह से, तो कितना हो जाएगा 1 × 1 और 3 × 2, तो 1 − 6 के होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, इसको ढकेगा और इसको ढकेगा, तो कितना होगा बताइए जल्दी से। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 − 3 × 1, तो 2 − 3 के होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आप कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए अब इसको भी सॉल्व कर लेना है, ऊपर में डिटरमिनेंट को भी सॉल्व कर लेना है, कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको घटा दीजिए, 4 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, तो कितना होगा 4 में से 2, तो 2 होगा, ठीक है, 5 में से 3 गया तो कितना होगा 2 होगा, 2 में से 1 गया तो 1 होगा। अब इसको ढकेगा, इसी तरह डिटरमिनेंट सॉल्व करना है आपको बताए, तो 2 × कितना हो जाएगा 1 − 4, तो 1 − कितना होगा 4, फिर माइनस, माइनस में यहाँ होता है माइनस में 2 × यहाँ पे देखिए इसको ढक के, तो यहाँ पे 1 × 1 और 3 × 2 कितना होगा 6, तो 1 − 6 प्लस यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, प्लस 1 × आप 2 × 1 तो 2, आप माइनस कितना हो जाएगा 3 × 1 3 बटे ऐसा कर दीजिए, 1 − 4 गया कितना −3 − 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस कितना होगा −5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको कुछ नहीं करना है, जोड़ घटाव कर दीजिए, अब हो गया रूट अंडर 35 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर में सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा −6 और −1, तो −7 और प्लस कितना है 10 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और अंडर रूट नीचे में कितना आएगा रूट अंडर 35 यूनिट, यही आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना है और हम ग्रुप में भी भेज दूंगा, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करना है, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।